अब मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी बताने के बाद और मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का बताने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी ही नहीं आर एस अग्रवाल से भी, जिनके पास आर एस अग्रवाल होगा 1A, 1B, 1C बना लेंगे, के सी सिन्हा जिनके पास है वो के सी सिन्हा भी बनाएंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, मैं उनका डाउट क्लियर करूंगा। कुछ एनसीईआरटी के पोर्शन बनाते हैं, इसके बाद जो भी है कुछ क्वेश्चन हमने मैंने दिया था जो कि बताया नहीं, उस क्वेश्चन का भी डिस्कशन मैं करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन कंप्यूट 3A-5B। क्या चीज का वैल्यू निकालना है? 3A-5E का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो 3 लिख दीजिए और मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या दिया है वो लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए दिया है 2/3, फिर दिया है 1/3, फिर दिया है 7/3, क्लियर, फिर 1, 2/3, 2, फिर 5/3, 4/3 और 2/3, क्लियर बात। फिर -5b, तो b क्या क्या दिया है जी? b दिया हुआ है 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 और 2/5। कहने का मतलब ये है कि मुझे जो निकालना है वो 3A-5B बनाना है, और A और B मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो A के जगह A का वैल्यू देखा और B के जगह मैट्रिक्स B का वैल्यू रखा। इसके बाद मुझे तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो बहुत इजी होता है, प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बच गया 2, 3 1 3, फिर इसमें 3 से 3 कट जाएगा तो 5, 3 से 3 कट जाएगा 1, 3 से 3 कट गया 2, 3 से 3 कट गया 4, 3 से 3 यहाँ भी कटा 7, 3 2 6, 3 3 कट गया तो यहाँ भी बच गया क्या 2 माइनस। अब यहाँ 5B का मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी 5 से 5 कट गया तो क्या बचा 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5 से 5 कटा 1, 2, 4, फिर 5 कटा तो 7, फिर 6, फिर 2। अब यहाँ दोनों के बीच में, ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में किस चीज का चिन्ह लगा है? माइनस का। तो सब्ट्रैक्शन करना तो इजी है, 2-2 ये, 3-3, 5-5, 1-1, 2-2, 4-4, 7-7, 6-6, 2-2। करने के बाद क्या आ गया जी? 0, 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
तो यही देख रहा है कि करना क्या है। अब जैसे चार नंबर क्वेश्चन था, बहुत इजी था इसलिए हम छोड़ दिए। ए बी सी तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए प्लस बी निकालना है, बी माइनस सी, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। पांच नंबर आपके सामने सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लीकेशन का साइन, कॉस में कॉस से कीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में साइन से कीजिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस में साइन से तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस में कॉस ले कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा में साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है। अब यहाँ एडिशन चलेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहां पर ऐड करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां माइनस का चिन्ह लगा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां भी माइनस का चिन्ह लगा है माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां चिन्ह लगा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, क्या बच गया जी, यहां पर वन जीरो जीरो वन, और एक टाइप से इसको कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी। क्या कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है, दो बाय दो का, आई से डिनोट करते हैं, तो इसको एक टाइप से आई भी कर सकते हैं। क्या भाई देवे, आपको कहीं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये देकर और ये ना देकर अगर आई दे दिया कि यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, नहीं, इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और ऑर्डर क्या है, तो जो जिस ऑर्डर का है उस ऑर्डर का नाम बोल दीजिए। सेवन नंबर क्वेश्चन नंबर दो, पहला और दूसरा एक ही टाइप का है। मुझे दिया है 2x प्लस 3y बराबर ये और 3x प्लस 2y बराबर इतना, x का वैल्यू पूछ रहा है और y का वैल्यू पूछ रहा है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह। लेकिन यहां कॉन्स्टेंट चीज ना देकर मैट्रिक्स दे दिया है, तो कोई दिक्कत इससे नहीं है, मैं वैसे ही सॉल्व करूंगा जिस तरह से मैट्रिक्स करता है। कारण ये पड़ेगा कि जो आंसर मुझे देना है वो x का वैल्यू है, कोई एक नंबर नहीं आएगा, एक मैट्रिक्स के रूप में ही आएगा। y भी जो आएगा एक वैल्यू मैट्रिक्स ही आएगा, तो मुझे ये सॉल्व करने का मेथड वही काम करना है जो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर यूज करते हैं। तो या तो x को बराबर कीजिए या तो y को बराबर कीजिए। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर एक मान लेते हैं और इसको दो मान लेते हैं। और सबसे पहला जो स्टेप है, हम ये लिखते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय थ्री एंड इक्वेशन टू बाय टू। पहला इक्वेशन को तीन से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और तब इसके बाद दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब तीन में इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 6x हुआ, और तीन में यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9y हुआ। इसमें तीन से हर एक एलिमेंट को करेंगे तो तीन दूनी 6, तीतरी का 9, तीन चौ का 12, 3 0। फिर दो से इसमें करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में तीन से कर दिए, सेकंड में मुझे दो से करना है तो द्वितीय 6x प्लस 4y, और जब यहाँ कर रहे हैं तो 2 × 4 माइनस 4 माइनस 2, 2 × 5 = 10। अब सब्ट्रैक्ट यहीं पर करते हैं, ये कट गया, 9 में से 4y गया तो 5y हुआ। यहाँ देखिए, अच्छा पहले लिख लेते हैं 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 10। अब यहाँ 5y आप रख रहे हैं यदि, तो 6 में से 4 गया कितना हुआ जी 2, 9 और 4 13 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर जो तू ये होने जा रहा है माइनस माइनस, अगर यदि प्लस कर रहे हैं तो 12 × 2 कितना होता है 14, और यहाँ पर 0 − 10 कितना होता है −10। लेकिन मुझे तो y का वैल्यू निकालना है, तो y बराबर 1/5 2 14 13 − 10, यानी कितना आ गया जी 2/5 13/5 14/5 और कितना −10/5।
ये हमारा हुआ y का वैल्यू, और इस y के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर एक में रखते हैं तो मेरा किस चीज का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा। आइए वो भी दिखा देते हैं। अब मुझे y क्या हुआ, 2/5, 13/5, 14/5, और 5 से 2 बार में 5 × 2 = 10। तो ये हुआ y का वैल्यू। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्वेश्चन क्या था जी, 2x + 3y, तो y के जगह 2/5, 13/5, 14/5 -2 = कितना दिया हुआ है, 2, 3, 4, 0। ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं निकालू 2x, 3 × 6/5, 39/5, 42/5 -6 = 2, 3, 4, 0। फिर अगर उधर मैं इसको लेकर जा रहा हूँ तो 2x = 2, 3, 4, 0 -6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब करने के लिए तो जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले लिखते हैं 2 - 6/5, 2 - 6/5, फिर 3 - 39/5, फिर 4 - 42/5, फिर 0 - -6, तो -, प्लस, ये हुआ। अब मैं इसको सॉल्व कर, जैसे करते हैं हम लोग, कितना बराबर आया था दिए, 2x बराबर ना अपना, तो 2x = एलसीएम 5, 5 × 10 -6, 10 -6, फिर 5 एलसीएम 15 -39, फिर अपना यहां 5, 5 × 20 -42, 6। अब फिर यहां से x = 2, 2, 2, 2 गुना है तो भागा में जाएगा, 10 में से 6 गया 4/24 -24, फिर माइनस कितना हो गया जी, यहां पर हो जाएगा -22, और ये हो जाएगा 6। तो x = 2/5 -12/5 -11/5, और यहां से आ जाएगा क्या, 3। यानी 2/5 -12/5 -11/5, 3। कहने का मतलब कि जैसे लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाते हैं उसी प्रकार से बनाएंगे, बस जहां मैट्रिक्स है वहां मैट्रिक्स को ही लेते चलेंगे। क्लियर बात है। क्वेश्चन दिया ये, सॉल्व क्या करना है मुझे, एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू। पहले ये दोनों में क्या करना है, इस मैट्रिक्स और ये स्केलर, पहले ये दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ 2x 2z, 2y 2t, और यहां से क्या हो रहा है जी, 3 - 3 = +6, और यहां से 9, 15, 12 और 18। अब मैं ये दोनों को मैं जोड़ लेता हूं, तो जोड़ने के बाद 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6, और ये 9, 15, 12 और 18। मैं ये देख रहा हूं कि ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी ये मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स के बीच में जो साइन लगा है वो बराबर का लगा है। तो मैं सबसे पहला क्लास ये बताता हूँ आप लोगों को, दूसरे लेक्चर में जो भेजा था, कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होते हैं जब इनका क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। मतलब कि 2x + 3 = 9, 2z - 3 = 15, 2y = 12 और 2t + 6 = 18।
ये तो ये। अब यहां से मुझे 2x का मान आ गया 6, तो x का मान आ गया कितना 3, दो तिया 6। यहां से 2z बराबर मुझे 18 आया, 2 से 9 बार में कटा, z बराबर कितना आ गया 9। यहां से 2 से 6 बार में कटा तो y का मान कितना आ गया 6। यहां से 2t बराबर मुझे 12 प्राप्त हुआ, प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 होगा, और 18 में से 6 गया 12, 2 से 12 कट गया 6, यानी t के मान आया 6। तो हेंस x बराबर 3, z बराबर 9, y बराबर 6 और t बराबर कितना भी आया जी 6। ये मेरा आंसर हुआ, क्लियर। यहां पर मुझे किसका वैल्यू निकालना है, तो x का निकालना है, फिर y का, फिर z का, फिर w का, क्लियर बात है। पहले ये मुझे क्लियर करना है। अच्छा एक बात, इससे पहले मैंने अभी 10 बनाया, 11 नंबर छोड़ा, क्योंकि वो बहुत इजी है क्वेश्चन, आप लोग के लिए मैंने छोड़ा। फिर भी ना बनेगी तो कल हम उसको डिस्कशन करेंगे। केवल आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ सॉल्व। ये भी इजी है, कोई ज्यादा ध्यान देने, 3 में x लब 3x करेंगे, 3y करेंगे, 3z करेंगे, 3w। यहां पर x में 4 से 4 प्लस x, 6 प्लस x प्लस y, माइनस 1 प्लस z प्लस w, 2w प्लस 3, क्लियर बात। अब वही बात, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर 3x बराबर 4 प्लस x, 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y, क्लियर बात है। तो मुझे यहां से आ जाएगा 3x माइनस x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, तो x का मान यहाँ 2 दुनी 4 कितना आ गया जी 2। अब मैं यहां से 3y माइनस y और 6 प्लस 2, क्योंकि x का मान 2 आया है, 3y में से 2y 8, 2 से 4 बार में, और y का मान यहां भी कितना आ गया है 2। फिर मैं निकालता हूं यहां से 3w बराबर 2w प्लस 3, तो यहां से आ गया 3w, 2w कट गया तो 1w में कितना बचा 3। अब फिर यहां मैं 3z लिख रहा हूं, ठीक है, 3z बराबर माइनस 1 प्लस जेड प्लस w, तो w के जगह क्या होगा 3, यहां से 3z प्लस जेड इधर आके 2z, 2 कट गया तो z का मान कितना आ गया 1, यानी x का वैल्यू कितना आया 2, y का वैल्यू कितना आया 2, z का वैल्यू कितना आया 1, और w का वैल्यू कितना आया 3। x का 2 और y का, सॉरी y का तो 4 है जी, y का 4, बच्चों का 8, y का वैल्यू 4, क्लियर। तेरा इफ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, देन सो डेट एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले एक बात आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आया है, 18 या 19 में आया है, 2018 या 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को दिया हुआ है एफ एक्स, लेकिन वहां एफ वाई भी पूछ रहा है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर आप लोग एकदम पढ़े हुए हैं कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 तो एफ 2 बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 2 प्लस 2 बराबर 4, यानी एक्स के जगह 2 रख देंगे, यानी जो चाहिए उस वैल्यू को हम रख देंगे। मैं यहां पर एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं क्या एफ वाई यहां मैं इसको ये कह सकता हूं क्या कि कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, फिर यहां पर मैं ले सकता हूं 0 0 1, क्लियर। मैं अब एलएचएस लिखता हूं यहां, और एलएचएस लिखने के बाद जैसे एफ एक्स इंटू क्या है जी एफ वाई, क्लियर बात है। तो एफ एक्स के जगह क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स
कॉस एक्स जीरो 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 वन। जीरो का मल्टीप्लीकेशन तो बहुत इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना होगा। यहां हुआ कॉस वाई, यहां माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। अब मैं यहां मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब यही है कि मैं इसका अगर रो उठा रहा हूं तो ये वाला कॉलम उठाऊंगा। क्लियर बात है? देखिए मैं अब उठा रहा हूं यहां पर कॉस एक्स में कॉस वाई से गुना कीजिएगा तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर बात है? क्लियर बात है। फिर माइनस साइन एक्स में साइन वाई से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा। फिर ये जीरो में जीरो से गुना कीजिएगा तो यहाँ जीरो होगा। फिर कॉस एक्स में माइनस साइन वाई से गुना कीजिएगा तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर माइनस साइन एक्स में कॉस वाई से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर बात है? फिर जीरो में जीरो से गुना कीजिएगा तो यहां क्या हो जाएगा? जीरो ही होगा। क्लियर बात? अब आते हैं कॉस एक्स में जीरो से जीरो, साइन एक्स में जीरो से जीरो, जीरो में एक से क्या हो गया? जीरो। क्लियर बात? अब फिर यहां हम चलते हैं, अब लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो साइन एक्स साइन कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई, फिर जीरो। उसी तरह से साइन एक्स में साइन वाई से गुना करेंगे तो यहां होगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर कॉस एक्स में कॉस वाई से गुना करेंगे तो कॉस एक्स इंटू होगा कॉस वाई। फिर जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो यहां प्लस जीरो। फिर साइन एक्स में जीरो से जीरो, कॉस एक्स से जीरो में जीरो, जीरो में वन से जीरो। अब फिर यहां लेते हैं ये जीरो कॉस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, यहां लेते हैं तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। फिर यहां भी लेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन। क्लियर बात? अब इसको हम फॉर्मूला की तरह बैठाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए बाबू, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है जी? कॉस ए प्लस बी का। क्लियर बात है? यहां पर यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनेगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, और कॉमन लेने के बाद प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर जीरो। अगर यहां लेते हैं तो यहां भी बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्म। फिर यहां भी अगर मैं ये करता हूं तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई के रूप में है, और यहां क्या है जी? जीरो। यहां जीरो जीरो वन। क्लियर? अब मैं यहां फिर एक फॉर्मूले पे लेके चलता हूं इसको, जो बचा खुचा फॉर्मूला है अपना। कॉस एक्स प्लस वाई, यहां साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन एक्स प्लस वाई जीरो, ये साइन एक्स प्लस वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया? कॉस ए प्लस बी का, जीरो जीरो जीरो। एक मिनट एक मिनट, मैं ये देखिए आप, जब एफ एक्स था तो क्वेश्चन में सभी जगह एक्स था, फिर मैंने अपने से वाई बना एफ वाई तो एक्स के जगह वाई दे दिया,
यहाँ पर फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यानी हम ये कह सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई एंड दैट इज सॉल्व इक्वल टू आर एच एस। फाइंड ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स इफ ए बराबर इतना, ए मैट्रिक्स दिया है निकालने के, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मैंने दो बार ए से गुना किया, ए दिया है तो दो बार गुना हो जाएगा। ये आई क्या है जी, तो आई को यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स तो सभी को लिखने आता है कि क्या होता है। अब रहा कि यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लिखना है, तो जिस ऑर्डर का ए होगा। सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालता हूं, ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए, ए गुना ए मतलब टू जीरो वन, टू वन थ्री, वन माइनस वन जीरो, फिर यहां पर मैं कर रहा हूं टू जीरो वन, टू वन थ्री, वन माइनस वन जीरो। अब मैं इसको गुना कर रहा हूं, देखिए कैसे, तो गुना कर रहा हूं रो इंटू कॉलम, दो दुनी चार, जीरो में दो से जीरो, एक में एक से एक, मैं जीरो नहीं लिख रहा हूं, फिर दो में जीरो से जीरो, फिर जीरो में एक से जीरो, फिर एक में माइनस एक ले माइनस एक, फिर दो में से एक ले दो, जीरो 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 जीरो, क्लियर। अब सेकेंड रो उठा रहा हूं, दो दुनी चार, एक दो दो, फिर तीन इकाई तीन, क्लियर बात। फिर मैं टू जीरो, वन से वन, फिर थ्री एंड माइनस थ्री, क्लियर। फिर टू वन टू, फिर वन थ्री थ्री, फिर थ्री जीरो, फिर वन टू टू, फिर माइनस वन टू, जीरो जीरो नहीं लिख रहा हूं, फिर वन जीरो माइनस वन वन माइनस वन, फिर जीरो माइनस वन, वन से वन माइनस वन प्लस थ्री माइनस तीन, और जीरो से जीरो, क्लियर बात। मैं अब ए से करूं, फोर वन फाइव माइनस वन टू, चार दो छ तीन नौ माइनस दो, तीन दो पांच, दो में से दो गया जीरो, माइनस वन माइनस टू, क्लियर। मतलब ए स्क्वायर जो आया फाइव माइनस वन टू, नौ माइनस टू फाइव, और जीरो माइनस वन माइनस टू। लेकिन मुझे केवल ए स्क्वायर नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई। तो ए स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे हम, फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस टू, ठीक है। फिर माइनस फाइव ए, तो माइनस फाइव ए, ए के जगह पर आ गया ए ए ए, हाँ टू जीरो वन, टू वन थ्री, वन माइनस वन जीरो, फिर प्लस सिक्स आई, प्लस सिक्स और आई। देखिए आई का मतलब क्या जी, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, तो जो ए का ऑर्डर है, यानी जो सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यूनिट मैट्रिक्स तो इसी को कहते हैं ना, कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है, मैंने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट जीरो, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितना होगा, तो फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, जीरो माइनस वन माइनस टू। फिर माइनस फाइव में टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव टू जा टेन, जीरो फाइव टेन फाइव फिफ्टीन फाइव माइनस फाइव
जीरो, क्लियर। थ्री सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो 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 सिक्स, क्लियर। अब मैं ये क्या करूंगा कि ये दोनों को आपस में घटाएंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे। फाइव माइनस टेन माइनस फाइव माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन टू माइनस फाइव माइनस थ्री नाइन माइनस टेन माइनस वन एक मिनट माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव माइनस सेवन फाइव माइनस फिफ्टीन माइनस टेन जीरो माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस वन प्लस फाइव क्योंकि माइनस माइनस प्लस फोर फिर माइनस टू जीरो, क्लियर। और प्लस ये अब आइए माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस वन माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री जीरो, ठीक है। माइनस वन जीरो माइनस वन एड करना है, माइनस सेवन प्लस सिक्स माइनस वन माइनस टेन प्लस जीरो माइनस टेन माइनस फाइव जीरो माइनस फाइव फोर प्लस जीरो फोर माइनस टू प्लस सिक्स फोर, क्लियर बात। यानी रिजल्ट वन माइनस वन थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस टेन माइनस फाइव फोर फोर, दिस इज द रिजल्ट। यानी ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई का जो वैल्यू आया कितना आया, ये आया, क्लियर बात। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो 16 नंबर क्वेश्चन करा, ये वैल्यू जो आया किसका आया जी, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई का, आई यूनिट मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 16। मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं क्योंकि सेम हो बहू यही है, कह क्या रहा है, अब ए स्क्वायर के जगह दे दिया है ए के पावर तीन, मैंने तीन बार गुना करना है, माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई, इस चीज का वैल्यू निकालना है। और वैल्यू ना निकाल कर दे दिया कि सो डेट की ये ओ के बराबर, ओ माने नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के बराबर हो तो भूल जाएंगे कि ये कुछ है भी, मुझे प्रूव करना है कि ये ओ के बराबर है यानी नल मैट्रिक्स के बराबर है। लेकिन मैं कुछ देर के लिए भूल जाऊंगा कि ये वाला जो चीज है वो नल मैट्रिक्स का प्रूव करना है। सर्वप्रथम मैं इसको सॉल्व करते जाऊंगा और जब इसको सॉल्व करूंगा पूर्ण रूप से तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो जिस ऑर्डर का रहेगा वो इस प्रकार से आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, इतना को सॉल्व करने के बाद, और इसी को नो बाबू नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मेरा प्रूफ भी हो गया, एक टाइप से वैल्यू भी निकल गया। तो जो प्रोसेस हम लोग इस मैथ में किए वही प्रोसेस हम लोग 16 नंबर में भी करेंगे और ये सॉल्व करते जाएंगे, रिजल्ट जब मेरा ये आएगा डायरेक्ट उसको ओ कर देंगे बराबर, यानी इट इज नॉट मैट्रिक्स, क्लियर। तो 16 बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, इफ ए बराबर थ्री माइनस टू फोर माइनस टू आई बराबर इतना देन फाइंड के, लेकिन के कब फाइंड करना है, जब ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस टू आई। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालने का कोशिश कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस टू आई है ना जी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए यानी थ्री माइनस टू फोर माइनस टू, यही है ना, फिर थ्री माइनस टू फोर माइनस टू। अब जब मल्टीप्लाई हम करेंगे इसको तो थ्री थ्री जा नाइन माइनस टू फोर माइनस एट, फिर थ्री माइनस टू माइनस सिक्स माइनस टू माइनस टू प्लस फोर, फिर फोर थ्री जा ट्वेल्व फिर माइनस टू फोर जा माइनस एट, फिर फोर माइनस टू माइनस एट माइनस टू माइनस टू प्लस फोर, तो कितना आ गया रिजल्ट, नौ में से आठ गया एक, माइनस छ में से चार गया माइनस दो, बारह में से आठ गया चार, माइनस आठ में से चार गया चार, क्लियर बात है। अब मुझे क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस टू वाई। आई क्या है? तो यूनिट मैट्रिक्स है, आई यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो जो ए का ऑर्डर है, तो ए का ऑर्डर क्या है जी? दो बाई दो। यानी यूनिट मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर होगा वो दो बाई दो ही है। यहां तो दे भी चुका है, यानी आप कह सकते हैं कि वन माइनस टू, फोर माइनस फोर इज इक्वल टू के, एक जगह थ्री माइनस टू, फोर माइनस टू और माइनस टू, आई के जगह वन जीरो जीरो वन। क्लियर बात है? अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, वन माइनस टू, फोर माइनस फोर, थ्री के माइनस टू के, फोर के माइनस टू के, यहां हो गया टू जीरो जीरो टू। क्लियर बात? अब यहां पर एड जो करना है मुझे, अब मैं कर रहा हूं कि ये वाला जस के तस वैसे ही लिखेंगे, वन माइनस टू, फोर माइनस फोर, ठीक है, थ्री के माइनस टू, क्लियर, फिर माइनस टू, फिर फोर के माइनस जीरो, क्लियर बात है, फिर माइनस टू के माइनस। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होते हैं जब दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट बराबर हो। यानी थ्री के माइनस टू बराबर वन, माइनस टू के बराबर माइनस टू, फोर के बराबर फोर, फिर माइनस टू के माइनस टू बराबर माइनस फोर। क्लियर? यहां से थ्री के बराबर थ्री, तो के का वैल्यू क्या आ गया? वन। यहां से माइनस टू से टू कट गया, के का वैल्यू वन, फोर से फोर कट गया, के का वैल्यू वन, यहां पर माइनस टू के बराबर हो गया टू, सॉरी माइनस टू, और माइनस टू से माइनस टू कट गया के, यानी हर केस में के का वैल्यू क्या आया? वन। हेंस के बराबर, क्लियर, ए बराबर जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू जीरो, सो डेट आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। एक बात ध्यान में रहिए, प्रूव करना है कि एल एच एस बराबर क्या चीज? आर एच एस। अच्छा, आई क्या है यहाँ पर? यूनिट मैट्रिक्स, क्लियर। ऑर्डर क्या होगा? तो जो ए का ऑर्डर होगा, मैं लेता हूं पहले एल एच एस, और एल एच एस है मेरे पास आई प्लस ए। क्लियर बात है? जब एल एच एस आई प्लस ए है, तो मैं आई को वन जीरो जीरो वन लिख सकता हूं, प्लस जीरो माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू जीरो। क्लियर? अब मैं इसको वन में जीरो को वन, जीरो प्लस माइनस टेन अल्फा बाई टू, जीरो प्लस टेन अल्फा बाई टू, यानी टेन अल्फा बाई टू, वन प्लस जीरो वन। क्लियर बात है? यानी मेरा जो एल एच एस आया, क्या आया? वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, प्लस टेन अल्फा बाई टू, वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा के रूप में लिखना है। एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि टेन अल्फा बाई टू को, टेन अल्फा बाई टू को शॉर्टकट करने के लिए मैं टी मान ले रहा हूं। क्लियर बात? जब मैं टेन अल्फा बाई टू को क्लियर किया हुआ, तो एक बात आप लोगों को याद होगा कि कॉस अल्फा का जो वैल्यू होता है वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू होता है। क्लियर है सबको? कॉस अल्फा जो मेरे पास आया वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बटा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू आया। टेन अल्फा बाई टू है क्या जी? तो टी। मैं इसको वन माइनस टी स्क्वायर बटा वन प्लस टी स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, ये टी माने इसलिए हैं कि थोड़ा मुझे लिखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा इतना बड़ा बड़ा जो कैलकुलेशन करना होगा आरएचएस में, उस सुविधा के लिए हम इसको टी माने हैं, नहीं तो और कोई कारण नहीं था टी मानने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में थोड़ा हार्ड ना पड़े, इस सब में डिस्टर्बेंस ना हो, इस प्रकार से हम ये चल रहे हैं। अच्छा, मुझे साइन अल्फा की और जरूरत है, टेन के भाषा में ही।
तो साइन अल्फा बराबर होगा 210 अल्फा बाय 2 बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 होता है। क्लियर बात, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये। तो 2 और 10 अल्फा बाय टी 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर बात है। फिर मुझे मेरे पास क्या है जी, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर बात, इतना ही है। अब मैं ये क्या कर रहा हूं कि अब मैं आरएचएस को सॉल्व करना चल रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आई माइनस ए को ले ले रहा हूं। आई माइनस ए को 1001 माइनस ए जब मैं ले रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से, जब मैं ए ले रहा हूं तो जीरो, लेकिन टेन अल्फा बाय टू को माने क्या है जी, टी, तो माइनस टी यहां पर टी और यहां पर जीरो। क्लियर बात। अब मैं वन में से जीरो गया है, माइनस माइनस प्लस जीरो, वन में से जीरो गया वन। क्लियर बात, यानी मेरे पास आया वन टी फिर माइनस टी वन। मुझे एलएचएस को जस के तस रहने देना है, अब मैं आरएचएस के तरफ है चल रहा हूं। ठीक है, तो आरएचएस क्या है मेरे पास जी, आरएचएस जो है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही है। अब मैं i माइनस ए के जगह पर 1 टी माइनस टी 1 और कॉस अल्फा और साइन अल्फा जो है, मैं अभी जस्ट निकाला था वैल्यू, कॉस अल्फा का निकाला था 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये निकाला था। और माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा का निकाला था 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर बात है। फिर मैंने साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा था जस्ट 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस अल्फा मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 में इससे करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। फिर टी में अब इससे करेंगे तो प्लस टू टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर बात। फिर 1 में इससे तो माइनस टू टी बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर टी में, हाँ, फिर टी से इसमें करेंगे तो ये जब गुना हुआ सही क्वेश्चन 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर बात। अब इसके बाद यहां पर माइनस टी से अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर 1 में इसमें तो 2t बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर। फिर माइनस टी में इसमें गुना करेंगे तो 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर बात है। फिर 1 में इससे गुना करेंगे तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर बात। अब इसका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करते समय एलसीएम इसका क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर। यहां पर भी एलसीएम जो होगा वो 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा। अब यहां पर माइनस 2 टी प्लस टी माइनस टी के पावर 3। क्लियर बात है। यहां पर भी अगर हम करते हैं तो एलसीएम होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस टी प्लस टी के पावर 3। क्लियर बात।
और ये वाला प्लस टू टी, फिर यहां भी वन प्लस टी का स्क्वायर, वन प्लस टी का स्क्वायर, तो वन प्लस टी का स्क्वायर जब हुआ तो यहां भी टू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर। क्लियर बात है? अब इसको क्या करते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो जी, कैलकुलेशन केवल कर गया तो एगो टी स्क्वायर बचा। अच्छा, यहां माइनस टू टी में से एगो टी गया तो एगो माइनस टी बचा, यहां जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस टी बचा। अब माइनस टी कॉमन ले लिए तो वन प्लस क्या बच गया ऊपर में टी स्क्वायर, और नीचे भी क्या दिया है वन प्लस टी स्क्वायर। सेम इसी प्रकार प्लस टू टी में से एगो टी चला जाएगा तो एगो टी बचेगा, और इसमें भी टी कॉमन लेने के बाद वन प्लस टी स्क्वायर बटा में वन प्लस टी स्क्वायर। फिर यहाँ टू टी स्क्वायर में से एगो टी स्क्वायर गया तो कितना बचा जी, वन टी स्क्वायर बटा वन टी स्क्वायर, ये तो क्या हो गया यहाँ पर वन माइनस टी, यहां प्लस टी वन। क्लियर? क्लियर, इसको मैं डिलीट करता हूं, तो ये हो गया वन माइनस। अच्छा, टी माने किसको थे जी, तो टेन अल्फा बाई टू को, तब टेन अल्फा बाई टू लिखिए। फिर टी माने थे किसको, टेन अल्फा बाई टू लिखिए और वन लिखिए, तो क्या एलएचएस में यही आया था वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू वन। यस, तो ये किसके बराबर हो गया, ठीक है, तो ये इसको भी ध्यान में रखना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए मैं 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिख तो नहीं सकता। ए ट्रस्ट हैज रुपीज 30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है, कितने रुपए हैं 30,000, और 30,000 को दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, कितने बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है दो बॉन्ड में। कैसे कैसे देखते हैं, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर इंटरेस्ट पर ईयर, पहला जो बॉन्ड है जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% पर ईयर देता है, और दूसरा बॉन्ड जो है 7% पर ईयर बॉन्ड देता है। पहले मैं समझाता हूं, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फाउंड ऑब्टेन्स एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट रुपीज 1,800 और बी 2,000 रुपया। कह ये क्वेश्चन ये रहा है बाबू कि 30,000 रुपया को ट्रस्ट इस प्रकार इन्वेस्ट करता है, मैंने दो पार्ट में बांटना चाहता है, कुछ रुपया 5% के हिसाब से दे देना चाहता है पर ईयर, और कुछ रुपया जो है 7% के हिसाब से दे देना चाहता है। लेकिन आपसे यही कह रहा है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के मेथड से आप ये बताइए कि किस रेट से, माने 5% कितना रुपया दे और 7% में लिए कितना रुपया दे कि वो साल के अंत में 1,800 रुपया केवल उसका इंटरेस्ट हो, और फिर यही क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे बांटें कि साल के अंत में कितना हो 2,000 रुपया इंटरेस्ट हो। तो यदि मैं 1,800 रुपया वाला बता दे रहा हूं तो 2,000 वाला आप लोग तो खुद बना लीजिएगा, क्योंकि जहां 1,800 लिखूंगा वहां 2,000 करके पूरा सॉल्व करना रहेगा। तो आइए मैं देखता हूं, पहले मान लेते हैं लेट रुपीज 30,000 बी डिवाइडेड इनटू रुपीज एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स। क्लियर बात है, दो रूप में डिवाइड होता है, एक एक्स में और एक 30,000 माइनस एक्स में। अब क्या करता है, मैं इसको पहले मैट्रिक्स में अरेंज करता हूं, अरेंज करता हूं, क्यों अरेंज करता हूं, क्योंकि इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के द्वारा इंटरेस्ट बताना है। मान लेते हैं हम एक्स को 5% दे रहे हैं, तो एक्स गुना 5% निकालेंगे तब ना जी मुझे मालूम चलेगा कि कितना इंटरेस्ट हुआ एक्स पर, और 30,000 पर मान लेते हैं मैं देता हूं 7%,
तो 30,000 माइनस x का 7% निकालेंगे तब ना मालूम चलेगा कि इस भाव रेट से कितना दिया। लेकिन मुझे तो मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो मल्टीप्लीकेशन हमेशा रो इंटू कॉलम होती है, तो मैं इसको रो में अरेंज कर लेता हूं और जो परसेंट है उसको मैं किस चीज में कर लूंगा, कॉलम में। तो अरेंज इन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ 1/2 ऑर्डर, तो क्या हो गया एक्स और 30,000 माइनस एक्स, और रेट क्या है अरेंज टू रेट इन टू क्रॉस वन यानी कॉलम, यानी 5% और 7%। 7% नीचे क्यों रखा, क्योंकि मान लिया कि 30,000 को डिवाइड किया जो एक्स है वो 5% पकड़ दिया और 30,000 एक्स को जो है मैंने वो 7% पकड़ दिया। अब देखिए, अब मैं ये प्रिंसिपल मान लेता हूं और इसको रेट मान लेता हूं, तो पी आर मैं जितना इन्वेस्ट किए उसको रेट निकाल के क्या निकाल दे आई, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं अपना कि एक्स बराबर कितना 1800 रुपये, क्लियर बात है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो एक्स में इंटू 5%, 5% माने 5/100, 5% का मतलब 5/100, क्लियर बात है। तो एक्स इंटू यानी 5x/100 फिर प्लस बराबर कितना हो गया 1800। मैट्रिक्स का आता रहा हूं चीन मैट्रिक्स, क्योंकि यहां भी अगर चाहिएगा तो आप मैट्रिक्स में डाल दीजिए और लास्ट में मैट्रिक्स हटा सकते हैं। क्लियर, अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, एलसीएम तो 100 हो जाएगा, उसको 100 को उधर भेज देंगे। चल लीजिए लिख कर ही दे रहा हूं, क्लियर बात है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 7x में से -5 -2x प्लस 21,000 बराबर -2x बराबर वो उधर चला जाएगा -3,000 फिर माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना 1500। तो x बराबर कितना आ गया जी 1500 रुपया आया, ठीक है। और तो सेकेंड पार्ट कितना होगा 30,000 माइनस सॉरी 4,000 जी 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो साल के अंत में उसके पास कितना होगा, कितने रुपए मिलेंगे 1800। तब कर सकते हैं हिंस बोथ पार्ट्स आर रुपीज 15,000 ईच, क्लियर बात। तो कहने का मतलब यही है कि 1800 के जगह पर मैं अगर 2000 कर दूंगा तो मेरा इसका सेकेंड पार्ट निकल जाएगा, क्लियर। देखिए सेकेंड पार्ट इसका बना लीजिएगा और 20 नंबर भी क्वेश्चन यही है, सेम वही कोशिश कीजिएगा। जो जो भी क्वेश्चन इस 3.2 में मैं छोड़ा हूँ, ज्यादा तो छोड़ा नहीं हूँ, उस चीज को बनाने का कोशिश कीजिएगा, ना बनेगा मेरे को
बोल सकते हैं, फिर से मैं उसको बता दूंगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन इसमें मैंने छोड़ा बहुत इजी है। जो मैं 21 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए वीवी आई है, तो इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले करेंगे ज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2×n, माने एक्स भी मैट्रिक्स है 2×n का, ये ऑर्डर है और यहां मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ठीक है, मैं साफ साफ इसको लिख रहा हूं, मैट्रिक्स ऑर्डर, एक वो एक्स मैट्रिक्स है 2×n का, ठीक है, एक वाई है, एक वाई है 3×k का, ठीक है, फिर जेड है 2×p का, फिर डब्ल्यू है 3×n का, और फिर p है 3×k का। तो आपसे करें कि नाउ एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 21, द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सुड एट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर किस पे, के बराबर 3 पर, पी बराबर एन पर, ठीक है, ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, मैं उस ऑप्शन को लिखने का कोशिश कर रहा हूं, ऑप्शन जो दे रहा है, ए नंबर दे रहा है के बराबर 3 पी बराबर एन, ठीक है, बी नंबर जो दे रहा है के इज आर्बिट्री, ठीक है, सी जो नंबर ऑप्शन दे रहा है वो पी इज आर्बिट्री और के बराबर 3, और डी नंबर जो ऑप्शन दे रहा है वो के बराबर 2 और पी बराबर 3, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि एन के पी पर रिस्ट्रिक्शन करते हुए आप क्या बताएंगे कि इसका कब संभव है, कि जब के का मान 3 होगा और पी और एन दोनों आपस में बराबर होगा तब, कि फिर मैंने जो भी चीजें उसको, अच्छा एक बात देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई पी और वाई मल्टीप्लाई संभव होगा, कब जी, पी और मल्टीप्लाई संभव तभी है, पी का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, पी का ऑर्डर दिया है पी रेशियो के, और वाई का जो दिया है 3×k, ध्यान दीजिए, दो मिनट, ये पी वाई पॉसिबल तभी है, पी वाई पॉसिबल है कब, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तब। मैंने पहले ही बताया कि मल्टीप्लीकेशन कब संभव है, जब पी का कॉलम और वाई का रो बराबर है, यानी आप कहने का मतलब ये है कि जब के बराबर 3 होगा तब ये संभव है। अच्छा दूसरी बात कि जो पी वाई का जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, पी वाई का जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर वो पी वाई का ऑर्डर आएगा जो बच गया इधर पी और इधर क्या बच गया के, यानी पी के। अब एक मिनट, हम इसका ऑर्डर पी वाई का जो आ गया पी के, तो डब्ल्यू वाई का भी जो होना चाहिए ऑर्डर यही आएगा, तभी जाके हम एडिशन कर सकते हैं, यानी जब ये 3×2 है तो ये भी 3×2 रहेगा, तब भी ऑर्डर कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले इसका भी देखते हैं कि डब्ल्यू का क्या है जी, 3×n, वाई का क्या है 3×k, यानी मल्टीप्लाई संभव है कब, जब ये दोनों आपस में बराबर है तब, है ही, तब जब बराबर है तब इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर होगा 3×k, इसका मतलब ये कि अब मुझे ये दोनों को ऐड करना है, यानी पी ये इसका और ये दोनों को ऐड करना है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में तभी ऐड होंगे जब इनका ऑर्डर बराबर हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब P×K और N×K यदि दोनों बराबर हैं तब ये संभव है। तो इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यानी K के बराबर और P N के बराबर, यानी P जो होगा N के बराबर होगा और K जो है निकाले कितने 3 के बराबर। तो देखिए तो क्या कोई ऑप्शन है,
हाँ, तो पी बराबर एन और के बराबर थ्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बात। चलिए अब आते हैं हम इसी का 22वां नंबर। इस चीज को बार बार समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वीवीआई ये क्वेश्चन है। करें कि एन बराबर पी, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज क्या। एन और पी बराबर है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर इसका क्या होगा। तो मुझे सात और इससे मतलब नहीं है, बस इतना ध्यान रखना जो एक्स का ऑर्डर होगा वही जेड का ऑर्डर होगा, तब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो एक्स का ऑर्डर क्या दिया है जी, दो क्रॉस एन, और जेड का क्या दिया है, जेड का दो क्रॉस पी, यानी या तो दो क्रॉस एन या तो दो क्रॉस पी। तो मुझे एन और पी दोनों क्या है, बराबर दिया है। एन और पी जब दोनों बराबर दिया है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो या तो इसका रिजल्ट दो क्रॉस एन होगा या तो दो क्रॉस पी होगा। दोनों में कौन ऑप्शन है, दो क्रॉस एन, तो दो क्रॉस एन मार दो, क्योंकि एन और पी तो आपस में बराबर है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो मैं आप लोगों को 3.2 पूरी तरह से क्लियरिफाइड किया, 3.1 क्लियरिफाइड किया, इसको पूर्ण रूप से 3.1 का एग्जाम्पल एक्सरसाइज एनसीईआरटी से बनाइएगा। इनके पास आर एस अग्रवाल का बुक होगा, वह 1A, 1B, 1C तीनों बनाएंगे, और केसी सिन्हा, जिनके पास केसी सिन्हा का बुक होगा वो, मैं बता देता हूं, केसी सिन्हा का जो होगा वो बनाएंगे 5.1 पूरा बनाएंगे, 5.2 बनाएंगे, 5.2 भी बनाएंगे, और इसके बाद जो भी हाँ एग्जाम्पल कम से कम अवश्य पूरा बनाएंगे। मान लेते कोई एक्सरसाइज ना भी बना पाता है तो एग्जाम्पल अवश्य कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल बनाए दोनों बुक का, आर एस अग्रवाल का भी और एनसीईआरटी का भी। तो आर एस अग्रवाल वाले 1A, 1B, 1C बनाएंगे, जिनके पास केसी सिन्हा का बुक है वो 5A और 5B बनाएंगे।